Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. मन में भाव जगा ले, तेरा लक्ष्य है तैयार. सर गिरिराज कर ले, तेरा लक्ष्य है तैयार. हजारों सालों से इन अंधेरी रातों के काले घनेरों जैसे हमारे काले कर्म हमें जलाते रहते हैं. इन समंदर की तूफानी लहरों की तरह मनुष्य के मन में बसे हुए लालच और अज्ञान के भाव उसे धर्म के मार्ग से चलित करते आ रहे हैं. लेकिन आज भी मनुष्य के जीवन को धर्ममय बनाकर उनके जीवन को पावन करने का कार्य अगर कोई कर रहा है तो वो है हमारा शाश्वत सनातन सिद्धाचल गिरिराज. और इसी पवित्र धरोहर पर बसा हुआ है एक पावन पुण्य धाम लुणावा मंगल भवन. लुणावा मंगल भवन एक ऐसी पवित्र धर्मशाला है जो पालीताना तलेटी की गोद में बसी हुई है. यहाँ पर हर साल हजारों लाखों जैन श्रद्धालु गिरिराज के दर्शन हेतु कई प्रकार की आराधना करने, भावपूर्ण यात्रा करने और अपने जीवन को पावन करने इस लुणावा मंगल भवन में आते रहते हैं. लेकिन आज सुबह यहाँ थोड़े बच्चे आए हुए हैं अपने स्कूल में वेकेशन होने की वजह से पालीताना की यात्रा करने. लेकिन क्या उन सब बच्चों में से कोई ऐसा भी होगा जिसे मजबूरन यहाँ आना पड़ा होगा? क्या हुआ विराग, तुम इतनी रात को रस्सी नीचे डाल के भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे? अगर तुम गिर जाते तो? तुम्हें किसी ने जबरदस्ती यहाँ भेजा है? बोलो तो सही, प्लीज कुछ तो बोलो, मुझे तुम अपना दोस्त समझ सकते हो. हाँ, मुझे यहाँ जबरदस्ती भेजा गया है. स्कूल की छुट्टियों में मेरा पिकनिक पर जाने का प्लान था, पर दादी माँ ने मुझे यहाँ भिजवा दिया. उन्होंने सही तो किया विराग, इससे अच्छी पिकनिक प्लेस दूसरी और कौन सी हो सकती है? ये जगह अच्छी है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इस धर्मशाला का गेट भी 10 बजे बंद हो जाता है और खाना भी 7 बजे से पहले खाना पड़ता है.
यहाँ ना तो टीवी है और ना ही मेरे कोई फ्रेंड्स। मैं 7 दिनों तक यहाँ करूँगा क्या? अगर ये जगह इतनी बोर होती तो इतने सारे लड़के यहाँ छठ करके गिरिराज की यात्रा करने ना आते। तुम शायद पहली बार यहाँ आए हो ना, वरना हम सब की तरह तुम भी बहुत एक्साइटेड होते। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जहाँ तुम्हें बहुत मजा आएगा। कौन सी जगह? अरे जैनम, ये तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? कितना अंधेरा है यहाँ पे। ज्यादा सवाल मत पूछो, चुपचाप मेरे साथ चलो। ओहो, तुम मुझे जिस इंटरेस्टिंग जगह पे लाने वाले थे वो ये जगह थी। वाव, एक बड़ा पुराना खाली उपाश्रय और उसमें महाराज साहब का बड़ा सा पुतला। तो तुम मुझे पालीताना में शायद यही सब दिखाने वाले होंगे, राइट? आज उपाश्रय, ये पुतला और कल शायद कोई मंदिर। वाव, कितना मजा आएगा। अरे मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी तुम्हारी बातों पे भरोसा करके। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सचमुच एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी कहना और बताना चाहता हूँ। पर मुझे तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुननी है, मुझे बोर होता है यहाँ पर। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम इस पुतले के सामने खड़े रह सकते हो, मगर मुझे ना तो यहाँ खड़ा रहना है और ना ही तुम्हारी ये पकाओ कहानी सुननी है। I'm going. Bye. इस मौसम में बिजली और तूफान, अरे ये सब क्या हो रहा है? बताओ ना जैनम, इस मूर्ति में से प्रकाश और किरणें क्यों निकल रही है? कुछ तो बोलो। अरे मैं वही तो कहने जा रहा था, पर तुम मेरी बात सुनो तो ना। हाँ तो अब बताओ ना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। 70 साल पहले की ये कहानी है, कच्छ के एक छोटे से गांव अधोई की, जहाँ जन्म हुआ था एक बालक का, जिसका नाम था गुणशी। गुणशी? हाँ, मतलब परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय अरिहंत सिद्ध सुरीश्वर जी महाराज साहेब। है घोर अंधेरा छाया, हर पल अधर्म का साया, पर जिसको अरिहंत की माया, जिसको अरिहंत की माया, ऐसा गुरुवर हमने पाया, ऐसा गुरुवर हमने पाया, झुकाने कर्म का तोला, पहने संयम का झोला, छूना है छूना है छूना है आसमान, आसमा आसमा।
हमारे इस जीवन को सफल करने के लिए तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। पहली नौकार मंत्र, दूसरी संयम जीवन और तीसरी सिद्धाचल महातीर्थ की यात्रा। नौकार मंत्र मतलब हमारे पंच परमेष्ठी को नमस्कार। पता है ये कोई सामान्य मंत्र नहीं है, जैन धर्म में इसे महामंत्र कहा गया है। अब इसके बाद हमारे जीवन को सफल बनाने का दूसरा मार्ग है संयम जीवन। संयम मतलब वैराग्य, और वैराग्य मतलब सारी नाशवंत चीजों का त्याग करना, मोह माया द्वेष जैसे भावों की परछाई से भी दूर रहना। इस संसार में सब कुछ नाशवंत है, अगर कुछ शाश्वत है तो वो है सिर्फ और सिर्फ हमारा नौकार महामंत्र संयम जीवन और शत्रुंजय महातीर्थ। अब तीर्थ हमारा उद्धार कैसे करते हैं, तो कि जिस पावन भूमि पर हम नौकार का रटन, अरिहंत परमात्मा का स्मरण और संयम की सुगंध पा सके उसे तीर्थ कहते हैं। इसी धरोहर से अनंत अनंत जीवों का कल्याण हुआ था, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। पालीताना तीर्थ की यात्रा करने से हमारे दुख दूर होते हैं और खुशियों के फूल खिलते हैं। और उसमें भी अगर कोई चोवियार छठ करके 7 बार यात्रा करता है तो उसे तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुजी, चोवियार छठ करके 7 यात्रा करना मतलब? मतलब ये कि 2 दिन तक बिना कुछ खाए पिए शत्रुंजय महातीर्थ की 7 बार यात्रा करना, और उसे चोवियार छठ करके 7 यात्रा करना कहते हैं। लेकिन आदेश्वर दादा के दरबार तक पहुंचने के लिए 3,500 कच्ची पक्की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, घना जंगल पार करना पड़ता है और बिना कुछ खाए पिए बहुत ऊपर तक चढ़ना पड़ता है। चलो बच्चों, अब मैं आप सबको एक सवाल पूछता हूं कि गिरिराज की यात्रा करने जाने के लिए इंसान के पास क्या होना जरूरी है? मास्टर जी मैं बताऊं? हाँ तुम बताओ मूल जी। इंसान के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। बिल्कुल गलत जवाब, तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। और कोई बताएगा? मास्टर जी मैं बताऊं? हाँ तुम बताओ। इंसान के पास ताकत होनी चाहिए ताकि वो ऊपर चढ़ सके। नहीं गलत जवाब। मैं बताऊं गुरुजी? हाँ गुणशी तुम बताओ। गुरुजी गिरिराज की यात्रा करने के लिए और आदेश्वर दादा के दर्शन पाने के लिए मन में उनके प्रति सच्चा भाव होना जरूरी है, शेष अवरोध अपने आप दूर हो जाते हैं। वाह बेटा वाह, क्या ऊंचे विचार है तुम्हारे। पढ़ने में तो तुम तेज हो ही, पर धर्म का ज्ञान और उसकी समझ भी कमाल की है तुम्हारी। गुरुजी, मैं भी छठ करके 7 यात्रा करना चाहता हूँ। चुप हो जाओ सब लोग। किसी के ऊपर हंसने वाले और किसी का मजाक उड़ाने वाले कायर होते हैं। गुणशी मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम एक दिन जरूर छठ करके 7 यात्रा करोगे, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं तुम्हें मार रहा हूँ? क्यों बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे ना कि चोवियार छठ करके पालीताना की यात्रा करोगे ताकि मास्टर तुम पर खुश हो जाए। इस साल भी तुम्हारा ही अव्वल नंबर आए। चलो अब ये लालटेन बुझाओ, मुझे सोना है। अरे पर वो पड़ रहा है ना। हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे उजाले में नींद नहीं आती। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम गुंशी की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें इतना समझा रहा हूँ कि तुम उसे परेशान मत करो। ओ धर्मी पुरुष, अगर तुम ज्यादा इसके बारे में बोलोगे ना तो तुम्हें भी आज बाहर ही सुना पड़ेगा, समझे? नहीं नहीं, मैं अभी लालटेन बुझा देता हूँ। लेकिन एक बात कहूँ तुम्हें मूल जी, तुम ये द्वेष की भावना अपने मन से निकाल दो। और क्या क्या निकालो अपने मन से? तुम बुरा मत माना, लेकिन तुमको पढ़ाई में और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और हो सके तो अपने गुरुजी का आदर करो, उनका अपमान नहीं। सरस्वती माँ की तुम्हारे ऊपर भी कृपा जरूर होगी। गुणशी सही कह रहा है मूल जी, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। अच्छा चलो मैं तुम दोनों की बात मान भी लूँ, मगर मेरी एक शर्त है। आज पाठशाला में गुणशी ने कहा कि पालीताना की यात्रा करने के लिए सिर्फ सच्चे भाव होने चाहिए, तो अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि बिना एक फूटी कौड़ी लिए गुंशी पालीताना की यात्रा कैसे करता है। बोलो गुंशी, क्या तुम कर पाओगे? क्या चोवियार छठ करके 7 यात्रा करने तुम जाओगे? आदेश्वर दादा की कृपा होगी तो मैं जरूर जाऊंगा। अरे भुवन, आज गुणशी पाठशाला क्यों नहीं आया? पता नहीं। पता नहीं? मुलजी, गुणशी कहाँ है? लगता है डर के मारे कहीं छिप गया होगा।
अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलो। हाँ, नहीं पता। मुझे लगता है तुमने ही उसे परेशान किया होगा, जाओ जाके उसे ढूंढ के लाओ। गुणश्री क्या हो गया तुम्हें? अरे इसका शरीर तो बहुत गर्म है। मुलजी जाओ, जाके मास्टर जी को बुला के लाओ, जाओ। मैं क्यों जाऊँ? तू बुला के ला, तब तक मैं वैद्यराज बनके इस गुंची का इलाज करता हूँ। तुम बहुत बुरे हो। क्या हुआ गुंची, तुम सच में बीमार हो या बीमारी का बहाना करके कंबल लपेट के सो गए हो? चोवियार छठ नहीं करना है, यात्रा नहीं करनी है? बोलो, अरे बोलो ना, लगता है कि तुम्हें सांप सूंघ गया है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, तुम यात्रा कभी कर ही नहीं पाओगे। तुम कभी यात्रा नहीं कर पाओगे, तुम कभी यात्रा नहीं कर पाओगे, कभी यात्रा नहीं कर पाओगे। जागो गुंशी, जागो, जाग जाओ बेटा, जागो गुंशी बेटा, जागो। देखिए ना वैद्य जी, गुंशी को क्या हो गया है? आज तीन तीन दिन हो गए हैं उसको बीमार हुए। पिछले तीन दिनों से हम उसे आपने दी हुई दवाइयाँ दे रहे हैं, फिर भी इसकी खांसी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। समझ में नहीं आ रहा है इसे क्या हो गया। मैंने जो दवाइयाँ दी थी उससे तो ठीक हो ही जाना चाहिए था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसका बुखार जरा भी कम नहीं हुआ है। एक काम कीजिए, गुंशी को उसके घर भेज दीजिए, शायद गुंशी के घर वाले उसका अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। ठीक है वैद्य जी। भुवन, गुंशी का सामान बांध लो बेटा। गुरुजी, ये रहा सामान, मैंने तो पहले से ही सामान बांध के रखा है। तुमने? पर क्यों? मेरे दोस्त की तबीयत इतनी खराब हो तो मैं उसका थोड़ा सा तो काम कर ही सकता हूँ ना। संभल के बेटा, संभल के। मुलजी, तुम कब से गुंशी के लिए अच्छा सोचने लगे? मैं उसके बारे में नहीं, अपने बारे में अच्छा सोच रहा हूँ। देखा नहीं, दिन ब दिन उसकी खांसी बढ़ती जा रही थी, अब ना रहेगा गुंशी और ना रहेगी उसकी खांसी। बुरा मत मानना जैनम, मुलजी की बात वैसे तो सही थी, बिना कुछ खाए पिए इतनी हाइट पे चढ़ना, दैट्स इम्पॉसिबल। लेकिन ये बताओ ना कि आगे क्या हुआ? फिर गुंशी अपने गांव आधोई पहुंचे, वहाँ उनकी बहनों और रिलेटिव्स ने तुरंत ही डॉक्टर को दिखाया, पर गुंशी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। लेकिन बिगड़ती हुई तबीयत में भी उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा और बढ़ती गई। हाँ? अरे गुंशी संभल के। भैया धीरे धीरे खड़े हो ना, आप यहाँ बैठ जाइए, संभल के। भैया आपकी तबीयत इतनी खराब है और फिर भी आप प्रतिक्रमण कर रहे थे, आपको डॉक्टर ने मना किया है ना, आपको भी आराम की बहुत जरूरत है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अभी ठीक हूँ। आप बिल्कुल ठीक नहीं हो, ना तो आप दवाइयाँ समय पे लेते हो और ना ही आप आराम करते हो। पूरे दिन माला जपते हो, चौविहार करते हो, प्रतिक्रमण करते हो, ऐसा करते रहोगे तो आप ठीक कैसे होंगे? आपकी बात सही है बहन, मैं दवाइयाँ नहीं खाता, आप लोगों की बात भी नहीं सुनता हूँ, लेकिन एक बात कहूँ, ये दवाइयाँ तो मेरे कमजोर शरीर को सिर्फ ठीक करती है, मेरी शारीरिक अवस्था को सिर्फ स्वस्थ करती है, पर मेरी आत्मा का कल्याण तो सिर्फ और सिर्फ मेरे धर्म से ही होता है। धर्म की डोर से बांध कर परमात्मा का स्मरण मुझे जीवन जीने की प्रेरणा देता है, और रात्रि में दवाई लेता हूँ तो मेरा चोवियार टूट जाता है, और इसलिए मैं दवाई का त्याग कर रहा हूँ, और रोज रात को प्रतिक्रमण करने का मैंने नियम लिया है। अब मैं इतना भी कमजोर नहीं हो गया कि मैं मेरे नियम को ही तोड़ दूं। छूना है शांत हो जाइए भैया, ज्यादा मत बोलिए वरना आपकी खांसी बढ़ जाएगी। अब मुझे लगता है भैया हमारी बात नहीं मानेंगे, हमें उन्हें किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए। आपकी बात सही है, हम कल ही निकल जाते हैं। कहते हैं ना कि समंदर चाहे लाख उठा ले लहरें, मगर पानी में बह जाना चट्टानों की फितरत नहीं। फिर गुंशी को आधोई गांव से सीधे अंजार ले जाया गया।
लेकिन वहां से भी गुंशी और उनके घर वालों को सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी। डॉक्टर ने कह दिया कि आप गुंशी को किसी दूसरी हॉस्पिटल में ले जाइए, यहां उसका इलाज नहीं हो सकता है। फिर गुंशी को वहां से मोरबी, जामनगर, भावनगर जैसे बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां भी उसका इलाज नहीं हो सका। और फिर बहुत ही कमजोर हो चुके हुए गुंशी को भूज के अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे भैया को? आप कुछ कीजिए ना, ताकि वो फिर से खेल कूद सके। माफ कीजिएगा, खेलना कूदना तो छोड़िए, अब ये बिना सहारे चल भी नहीं सकेगा। आपने इसे यहाँ लाने में बड़ी देर कर दी है। हम कुछ समझे नहीं। मतलब ये कि इसे राज रोग हुआ है, क्षय रोग, जिसे अंग्रेजी में टीबी कहते हैं, और इस बीमारी का हमारे पास ना तो कोई इलाज है और ना कोई दवा। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब, आपको दवाई देके मेरे भाई को ठीक करना ही होगा। माफ करना बहन, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बस आप ये समझ लीजिए कि आपका भाई थोड़े ही दिनों का मेहमान है। अब तो इसे सिर्फ भगवान की दुआ ही बचा सकती है, मैं नहीं। ये तेज हवाओं के झोंके सांसों को दे ये धोखे, मेरे जीवन में अंधी आ रहा, मेरे जीवन में अंधी आ रहा, कर रोशन दे के उजियारा, कर रोशन दे के उजियारा, ऐसे मुश्किल मोड़ पर ध्यान तेरा ही धर कर, छूना है छूना है छूना है आसमां, छूना है आसमां संसार में सब कुछ नाश्वत है, अगर कुछ शाश्वत है तो वो है सिर्फ और सिर्फ हमारा नवकार महामंत्र संयम जीवन और तीर्थ। गुरुजी गिरिराज की यात्रा करने के लिए और आदेश्वर दादा के दर्शन पाने के लिए मन में उनके प्रति सच्चा भाव होना जरूरी है। मैं भी छठ करके साथ यात्रा करना चाहता हूँ। बोलो गुंशी, क्या तुम कर पाओगे? क्या चोवियार छठ करके साथ यात्रा करने तुम जाओगे? चोवियार